हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके साथ हेवी साड़ी लुक शेयर करने वाली हूँ। हेवी साड़ी ड्रैप करते वक्त वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है या प्लेट्स वगैरह अच्छे से ड्रैप नहीं हो पाते, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें ड्रैप करना है और किस तरीके से आपका लुक उभर कर आ सकता है। सो, कभी भी हेवी साड़ी को ड्रैप करते वक्त जो एंड वाला कॉर्नर हम स्टार्ट करते हैं उसको एक छोटी सी नॉट के साथ नॉट बांध लेनी है। नॉट अगर आप नॉट के साथ इसको कैरी करोगे तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये निकलेगा नहीं। और आप साड़ी की लेंथ देख सकते हैं कि थोड़ी सी कमर पर हमें ऊपर ही रखेंगे, बेली बटन से ऊपर लेंगे, क्योंकि हेवी साड़ी बाद में अपने आप नीचे चली जाती है। सो, इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ही स्टार्ट करें। अब बेसिक राउंड कंप्लीट करने के बाद साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है उसको अब हम लेंगे। ये साड़ी दो कलर में है, थोड़ा सा पिंक कलर है और एक थोड़ा सा येल्लोश कलर हम कह सकते हैं इसको। इस तरीके से पल्लू का पोर्शन जो है तो उसको मैं गैदर कर लूँगी और बाद में गैदर करते हुए एक राउंड कंप्लीट करके सामने की तरफ लेके आऊँगी। उसके बाद जो पल्लू का पोर्शन है तो इसके हमें प्लेट्स बना लेने हैं। अब हेवी साड़ी के प्लेट्स बनाते वक्त कभी भी हमें ध्यान में रखना है कि इक्वली प्लेट्स हमारे आने चाहिए, क्योंकि हेवी साड़ी प्लेट्स बनाते हैं तो एक दो प्लेट्स इधर उधर हो जाती है। सो, अच्छे से प्लेट्स बना लीजिएगा और सेफ्टी पिन से सिक्योर कीजिएगा। सेफ्टी पिन से आप सिक्योर करोगे तो प्लेट्स अच्छे से आपके सेट हो जाएंगे और निकलेगी भी नहीं। और जितनी पल्लू की हमारी बॉर्डर है साड़ी की, उसके हिसाब से ही पल्लू हमें सेट करना है। ज़्यादा चौड़ाई हमें इसकी नहीं रखनी है। ज़्यादा चौड़ी अगर आप प्लेट्स रखोगे तो हेवी होने के कारण ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। सो, इस तरीके से अगर आप हम लेंगे छोटी चौड़ाई में लेंगे तो आपकी साड़ी भी बहुत ही उभर कर दिखाई देगी। तो ऊपर की तरफ सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद इसी तरीके से हम थोड़ा सा पोर्शन नीचे की तरफ का पल्लू का लेंगे और उसको भी अच्छे से सेट करेंगे। और यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं और बाद में इसी तरीके से नीचे की तरफ लेंगे पल्लू का पोर्शन और उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर भी सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप सेफ्टी पिन से पहले से ही सिक्योर करोगे तो आपका पल्लू एकदम से परफेक्टली आ जाएगा, वो इधर उधर नहीं होगा या प्लेट्स भी आपकी निकलेगी नहीं। सो, इस तरीके से पल्लू बनाने के बाद अब मैं इसको मेरे शोल्डर पर कैरी कर लूँगी और थोड़ा सा पीछे की तरफ हमें पिन लगानी है। ऊपर की तरफ अगर आप पिन लगाओगे तो वो सामने की तरफ आ जाएगा। सो, इतना पल्लू लेने के बाद अब सामने की तरफ मैं इसको फ्लैट फ्रंट स्टाइल रखना चाहूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से लेने के बाद मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी और सिक्योर करने के बाद इस तरीके से अब मैं इस बॉर्डर को सामने की तरफ लाऊँगी और इस बॉर्डर को भी हमें सेफ्टी पिन से अब यहाँ पर सिक्योर कर लेना है, क्योंकि हेवी होने के कारण ये नीचे जा सकता है, तो सेफ्टी पिन ज़रूर लगाइएगा। अब आते हैं प्लेट्स। तो प्लेट्स हमें इक्वली बना लेने हैं। इसकी जो नीचे की बॉर्डर है वो हेवी है, सो अच्छे से हमें इक्वली और थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सारे प्लेट्स को बना लेना है। बीच में 1-1 इंच का गैप रखेंगे और इक्वली सारे प्लेट्स अगर आपके आएंगे तो सामने का लुक आपका एकदम से उभर कर आएगा। सो, देखिएगा फ्रेंड्स, इक्वली एकदम से परफेक्टली हमारे प्लेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कीजिएगा। अब देखिएगा, जो एक प्लेट है पीछे की साइड वो मैंने छोड़ दी है और बाकी के प्लेट्स को मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। और एक प्लेट छोड़ दी है और उसके ऊपर अब मैं क्या करूँगी, ये प्लेट्स सारे टक इन कर दूँगी। तो इस तरीके से टक इन करने के बाद अंदर की तरफ हमने एक प्लेट छोड़ी थी उसको अब हम इस तरीके से अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। इसको निकालने से क्या होता है, देखिएगा, इस तरीके से हमारा जो लेफ्ट वाले पैर पर पोर्शन आता है वो इक्वली अच्छे से ट्रैप हो जाता है और हम ट्विस्ट करके इसको ट्रैप कर लेते हैं तो ये निकलता नहीं है। सो, देखिएगा, इस तरीके से एकदम से टाइटली फिटिंग के साथ ये ड्रैप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो ऊपर की तरफ भी पिन लगा सकते हैं या अंदर की तरफ भी आप इसको पिन से सिक्योर कर सकते हैं। मैंने ऊपर की तरफ पिन लगाकर सिक्योर कर लिया है। तो ये साड़ी आपकी बहुत ही अच्छे से ड्रैप हो जाएगी। अब नीचे की जो प्लेट्स है उसको इस तरीके से पकड़ते हुए थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से मरोड़ेंगे, देखिएगा, नीचे के प्लेट्स, क्योंकि वो हेवी है तो आप इस तरीके से अगर ट्विस्ट करोगे उसको तो वो अच्छे से ड्रैप हो जाते हैं।
उसके बाद में नीचे का पोर्शन हो जाने के बाद अब यहाँ पर सामने का पोर्शन भी आपको अच्छे से सेट कर लेना है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, नीचे का पोर्शन भी बहुत ही अच्छे से ड्रैप हो चुका है और ऊपर का भी पोर्शन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इक्वली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। सो इक्वली ये साड़ी रैपिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।